गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। चैप्टर वही होगा लेकिन दूसरा पार्ट होगा। क्या है? भौगोलिक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। कल हमने पढ़ा दिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पढ़ा दिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, आगे शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है हमारा? जो मानक समय रेखा है, तो मानक समय रेखा भारत की वो कौन सी है? मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा जहां से हम इंडिया का टाइम माना जाता है, कहां से है? इस तरह है कुछ। तो एक लाइन है, ये लाइन क्या है? ये पूर्वी देशांतर लाइन है। इसको क्या बोलते हैं हम? 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पूर्वी देशांतर को हम क्या मान लेते हैं? अपना मानक समय रेखा मानते हैं। अब ये देखना है मेन क्या है, ये कहां से होकर जाती है? इलाहाबाद की नैनी से। कहां से? इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी से। कहां से? प्रयागराज के नैनी। कहां से होकर जाती है? 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पूर्वी देशांतर। ये ना भूले, पूर्वी देशांतर है। मैंने कल बताया था कि जो देशांतर में भारत का विस्तार कितना है। देशांतर मीन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। देशांतर मीन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मीन अक्षांश होता है। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो कंफ्यूजन नहीं होना, लॉन्गिट्यूड बोलू या देशांतर बोलू या लैटिट्यूड बोलू या अक्षांश बोलू, दोनों क्या है? एक ही चीज होंगे। तो ठीक है, तो कल मैंने बताया था जो भारत का विस्तार है देशांतर में कितना है, लॉन्गिट्यूड में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक बताया था। तो जो हमारा मानक समय रेखा है, जो हमने माना है, इमेजिन किया हुआ है, वो कौन सी है? 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है ये? है ये कहां से होके जाती है? नैनी से। इस जगह इलाहाबाद है, इलाहाबाद बोले या प्रयागराज बोले, वहां क्या पड़ता है? नैनी। नैनी से होकर जाती है। अब देखेंगे ये किस किस राज्यों से होकर जाती है। मेन क्या है इसमें, किन किन राज्यों से होकर जाती है, उसकी ट्रिक क्या है? आपने पूमा कंपनी का नाम सुना होगा, पूमा की जैकेट भी आती है। पूमा कंपनी, सीओ कंपनी क्या लिख देते हैं? सीओ लिखते हैं ना, पूमा कंपनी। ये जो टी से क्या है? टी से है, इसके सूज भी आते हैं, जैकेट भी आते हैं। तो यहां से हम लर्न कर लेंगे पी से क्या हो जाएगा? प्रदेश या स्टेट। अभी देखना है कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सी से क्या है? छत्तीसगढ़। ओ से क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। लर्न हो जाएगा पी जो पहला है वो क्या है? प्रदेश। इन सभी के साथ क्या लगेगा? प्रदेश लग जाएगा। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसीलिए इसको अलग लिखा है, पूमा कंपनी मींस छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नीचे क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो पहला क्या होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कितने राज्यों से होकर जाती है? पांच राज्यों से। कितने राज्यों से होकर जाती है? पांच राज्यों से होकर जाती है। जो मानक समय रेखा है वो कहां से होकर जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? समय रेखा जो होती है, अगर इंटरनेशनल समय रेखा है, ग्लोब है, ग्लोब में जो इंटरनेशनल समय रेखा है वो क्या है? जीरो डिग्री देशांतर को हम क्या मानते हैं? इंटरनेशनल मानक समय मानते हैं। मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक समय क्या है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो कहां पड़ता है? ग्रीनविच। लंदन का एक एरिया है,
ग्रीन विच लंदन में, तो उसे क्या बोलते हैं ग्रीन विच। तो ग्रीन विच से लेकर इसको जब हम मानते हैं तो ग्रीन विच, ठीक है ये नहीं है ग्रीन विच, ठीक है ग्रीन विच से हमें क्या, अगर इंटरनेशनल पूछे मानस हमारे कहां से मानते हैं तो क्या कहलाती है ग्रीन विच बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रीन विच। अब देखें हम ग्रीन विच से हम कितने घंटे आगे हैं, ग्रीन विच से हम कितने घंटे आगे, तो ध्यान रखना एक चीज, दो दशांतर रेखाओं के बीच की में जो मिनट का समय होता है, जैसे ये दशांतर रेखा है इसे, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगेगा वो कितना होता है 4 मिनट, कितना होता है 4 मिनट, कितना होता है और दो दशांतर रेखाओं के बीच के जो टाइम लगता है वो क्या होता है 4 मिनट होता है। तो अब देख लेंगे हम ग्रीन विच से हम कितना आगे हैं, हमारा टाइम क्या है, हम जो मानक रेखा माने हैं वो क्या है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। ठीक है तो हम देखेंगे 82 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 82 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हाफ मिनट भी तो है, 4 से हाफ को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 मिनट। ये सारे किसमें निकल रहे हैं, मिनट में निकल रहे हैं 2 मिनट, तो क्या हो जाएगा 3:30, ये मिनट आ गए, हम कितने मिनट आ गए ग्रीन विच से 3:30 मिनट आ गए, हम ग्रीन विच से कितना आ गए हम 3:30 मिनट। मतलब ये हुआ कि जब हमारे यहां सुबह जल्दी हो जाएगी कितने घंटे पहले, कितने मिनट पहले 3:30 मिनट पहले, हम उनसे पहले हमारे यहां सुबह हो जाएगी, मॉर्निंग हो जाएगी। अगर इसको हमको आवर में निकालना है, घंटे में निकालना है तो क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा फाइव आवर एंड 30 मिनट, क्या जाएगा 5 आवर एंड 30 मिनट, 60 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 5 आवर एंड 30 मिनट, 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे हम हो जाएंगे। समझ आया कि दो दशांतर रेखाओं के बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है 4 मिनट होता है, हमारा जो टाइम लाइन जो माना है हमने वो क्या है, कितना है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट, तो उसके हिसाब से हम कितने आगे हैं 5 आवर एंड 30 मिनट, कहां से ग्रीनविच से, ग्रीनविच लाइन है मानक समय रेखा है, इंटरनेशनल मानक समय रेखा, उससे हम कितना आगे हैं 5 आवर 30 मिनट आगे हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है तटीय सीमा हमें बताना सबसे ज्यादा किसकी है, कोस्टल लेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, कोस्टल मैंने बताया था कि कौन कौन से है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्रा है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, ये बताया था मैंने। तो अब इसमें बताना कि कौन से सबसे ज्यादा लेंथ है, किसकी सबसे ज्यादा लेंथ है, तो देखेंगे हम अगर हम बात करें पूरे इंडिया, अगर हम यूटी को भी जोड़ लें, यूटी को भी जोड़ लें तो सबसे ज्यादा किसकी है अंडमान निकोबार, तो हमारे साथ करके आए अंजू, आज से तमिल भाषा सीखेगी अंजू, अंजू आज से तमिल, तमिल देखेंगे अंजू मित्र अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है जू मतलब गुजरात, गुजरात आज मीन आंध्र प्रदेश, आज से जो नाम आएगा कोस्टल एरिया में जो होगा वो किसमें है, कोस्टल लेंथ किसकी है, आज से मतलब आंध्र प्रदेश हो सकता है, आज से तो बहुत हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, तो लेकिन अरुणाचल प्रदेश तो उसमें आएंगे नहीं कोस्टल में, तो इसमें क्या बोल देंगे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, तमिल से तमिलनाडु,
सीरीज है, क्या हो जाएगा तमिल से तमिल नाड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सीरीज हो जाएगी। अब हमने देखेंगे अंजू, अंजू मीन्स आंध्र प्रदेश, ये अंडमान निकोबार, और जब मीन्स गुजरात। अब देखेंगे अंडमान निकोबार की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कितनी है 1964 मीन्स ये क्या हुआ 1962 किलोमीटर, कितना है 1962 किलोमीटर। ये याद कैसे करेंगे, तो 1962 में क्या हुआ था, इंडिया और चाइना का वार हुआ था, इंडिया एंड चाइना का वार हुआ था, कब हुआ था 1962 में। जब वार हुआ तो अंजू ने सोचा कि यहां तो वार हो रहा है इसलिए कहीं अच्छे एरिया में चले जाए, तो कहां चली गई हो तमिलनाडु में चली गई, कहां चली गई तमिलनाडु में, तो यहां से आ गया तमिल, आ गया तमिलनाडु हो गया। तो अंडमान निकोबार कितनी हो गई डिस्टेंस 1962 किलोमीटर, ये याद रहेगा ना। अंडमान निकोबार कहां से आया, इंडिया और चाइना का जब वार हुआ था तो कब हुआ था 1962 में, 1962 में हुआ था। फिर गुजरात कितना है 1214 किलोमीटर, कितना है 1214 किलोमीटर, नोट कर लीजिए। फिर आंध्र प्रदेश कितना है 973 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा, ये पहले पे क्या आएगा अंडमान निकोबार, अगर अंडमान निकोबार नहीं आ रहा सिर्फ स्टेट आ रहा है, ये तो यूटी है, क्या है यूटी है, तो फिर पहला क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र है। तो इसका कितना है तमिलनाडु कितना है 906 किलोमीटर, 906 किलोमीटर हो जाएगा, नोट कर लीजिए 906 किलोमीटर। कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने, क्या था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो डिस्टेंस मैंने बताई थी जो भारत के साथ लगती है, जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है 106 किलोमीटर थी, मैंने बता दिया था 120 किलोमीटर, तो क्या है 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान, जो मैंने बताया था बचपन में भी आना बताया था शॉर्टकट, तो उसमें आना क्या था अफगानिस्तान था, तो अफगानिस्तान जो भारत के साथ लद्दाख के साथ लगता है अफगानिस्तान कितना लगता है 106 किलोमीटर, मैंने क्या बताया था 120 किलोमीटर बताया था, ठीक है। ये लन हो जाएगा ना अंजू, अंजू अंजू कहाँ है अंजलि, इसको हम क्या कह सकते हैं अंजलि, आपने एक मूवी देखी होगी धड़कन, धड़कन में क्या है अंजलि नाम का वर्ड आया है, हीरोइन जो उसमें रहती है उसका नाम क्या था अंजलि, तो कहां से याद करेंगे अंजू आज से तमिल भाषा सीखेंगे, क्यों तमिल भाषा सीखेंगे, क्योंकि 1962 में वार हुआ था, कहां वार हुआ था इंडिया और चाइना का वार हुआ था, तो इसलिए वो सोच रहे थे सिक्योर होकर कहां चले जाए हम तमिल, तमिल एक अच्छा सिक्योर एरिया है जहां दूसरा एरिया लगता नहीं, श्रीलंका है नीचे दूसरे उससे तो कोई वार होगा नहीं, तो इसलिए सोचा कि नीचे चले जाओ, तो अंजू आज से तमिल भाषा सीखेगी, तो क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार गुजरात आंध्रा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसकी कितना हो जाएगी 1962 किलोमीटर है, सन भी है किलोमीटर भी है, जब वार हुआ था तो क्या बता 1962 में वार हुआ था इंडिया और चाइना का, और इतनी किलोमीटर क्या है इसकी डिस्टेंस है। दूसरा गुजरात 1214 किलोमीटर, ये कितना है आंध्रा 973 मतलब 973 किलोमीटर, 906 किलोमीटर तमिलनाडु। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सारे ट्रिक नोट करते जाइए, क्योंकि जो एग्जाम आने वाले हैं कई सारे एग्जाम एनटीपीसी हो गया बैंक हो गई, ये सारे क्या है एग्जाम आने वाले हैं, एनटीपीसी तो डेट आने वाली होगी, तो सारे ट्रिक जल्दी याद होती है और लंबे समय तक याद रहती है, अगर दो तीन बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं सारे ट्रिक को तो वो फिर कभी भूलते भी नहीं है, तो ये नोट्स बना लेते चलिए और याद भी करते चलिए। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो अंतिम सीमा बिंदु है, अंतिम सीमा बिंदु मीन्स जैसे ये पॉइंट है इंडिया का अंतिम कहाँ है, ये जगह अंडमान निकोबार है, ये क्या है अंडमान निकोबार, तो जो ग्रेट निकोबार है सबसे नीचे कौन सा है ग्रेट निकोबार, वो एक पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, तो दक्षिणतम पॉइंट जो होगा ये क्या है इंडिया है, दक्षिणतम पॉइंट मतलब
लास्ट साउथर्न पॉइंट जो होगा वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। फिर अगर हम बात करें वेस्टर्न मीन्स इधर गुजरात है, इधर गुजरात है, इधर इधर क्या है, गुजरात है। गुजरात ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है गौर, गौर माता। अब ये गौर लम कैसे करेंगे, गौर माता क्या कौन सा पॉइंट कहलाता है, गौर माता। जो पश्चिमीतर बिंदु है मतलब सबसे जो वेस्टर्न पे है तो वो क्या कहलाएगा, गौर। गौर को अगर हम इसको ठीक करें, गौर को हम क्या लिख सकते हैं, गिर। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क तो पता होगा ना, वो गुजरात में इस जगह पे है, तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। तो गौर अगर हम पूछे जो वेस्टर्न पॉइंट है, इंडिया का सबसे लास्ट वेस्टर्न पॉइंट है या पश्चिम में सबसे तरफ पॉइंट है वो कौन है, गौर माता। तो गौर कहां से है, इसको अगर हम इस तरह कहते तो ये क्या बन जाएगा, गिर। गिर का आपने नाम सुना होगा, गिर क्या है, नेशनल पार्क है। जबकि गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, एशियाई शेर, एशियाई लायन के लिए, किसके लिए, एशियाई लायन के लिए फेमस है। कहां गिर नेशनल पार्क, कहां, गुजरात में। तो यहां से हम लर्न कर लेंगे क्या है, गौर माता, गौर मतलब गिर माता, गिर माता सबसे क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। अब देखेंगे नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्टर्न है सबसे पूरब की तरफ पॉइंट है उसे क्या बोल देते हैं, की बीथू, इसको लर्न करना पड़ेगा, की बीथू क्या है, की बीथू। तो पता लर्न हो गए, नीचे तरफ इंदिरा पॉइंट, ऊपर तरफ इंदिरा कॉल, नॉर्थ में इंदिरा कॉल, साउथ में इंदिरा पॉइंट मतलब उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें, पश्चिम में सबसे ज्यादा कौन सा है पॉइंट, लास्ट पॉइंट कौन सा है, वो क्या बोल देते हैं, गिर माता या गौर माता, वो गौर माता है, गिर नहीं, गौर माता। तो लर्न हम करेंगे गिर से। नेक्स्ट क्या है, पूरब में क्या है, की पीथू, ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से कौन सा देश, कौन सा स्टेट तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से कौन सा स्टेट तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ मतलब ट्राई, तीनों का मतलब ट्राई हुआ ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर कहें तीनों बांग्लादेश, ध्यान रखना बांग्लादेश से कौन सा देश, कौन सा राज्य तीनों तरफ से घिरा है इंडिया का, तो क्या है, पहले हम इसको क्वेश्चन समझो, क्या रहा है, तीनों तरफ से कौन घिरा, तीनों तरफ को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई, हिंदी में बोलते हैं त्रि। अगर त्रि के साथ कोई राज्य बन रहा तो कौन है, त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा है। तो कौन सा राज्य बन जाएगा, त्रिपुरा। इसको लर्न करना क्या है, क्वेश्चन में लर्न होगा, वो कह रहा है बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीनों तरफ से घिरा, मतलब तीन तरफ से कौन घिरा है, तो त्रिपुरा, इसी में हम निकाल लेंगे, ये क्या लिखा हो, ट्राई या त्रि लिखा हुआ तो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया दृष्टि से, एरिया अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्र फल की बात करें तो कौन सा लार्जेस्ट है, तो वो कौन सा है, राजस्थान, क्या है, राजस्थान। इसका अगर एरिया हम देखें तो क्या है, 342,000 के अप्रोक्सली है, क्या है, 3,40,000, इतना अप्रोक्सली इतना है, 3,40,000 के आसपास है, नोट कर लीजिए, कितना है, 3,42,000
342,239 किलोमीटर स्क्वायर, क्या है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर उसके बाद क्या कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कितना है 308,000 के आसपास है, 308,000 के अप्रोक्सली है। फिर उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र, इसका कितना है 307,000 के आसपास है। फिर उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, कम पर तो सबसे बड़ा कौन सा है एरिया में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 5 हो जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा कितना है राजस्थान, कौन सा फर्स्ट नंबर पे, कौन सा है राजस्थान, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिफ्थ नंबर पे। अगर हम जनसंख्या सबसे ज्यादा देखें तो कहां की है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जनसंख्या सबसे ज्यादा, जनसंख्या कहां की है उत्तर प्रदेश की। अगर एरिया में पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है तो उत्तर प्रदेश की है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट, एरिया ले लें तो क्या है गोवा, क्या है गोवा, इसका है 3,700 अप्रोक्सली 1 किलोमीटर के आसपास है, कितना है किलोमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 3,701 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। अगर हम बात करें सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, जनसंख्या में कौन सा है तो वो क्या कौन सा है, सिक्किम, ये सब राज्य बता रहा हूं, सिक्किम कौन सा है, सिक्किम है, जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम है और एरिया में सबसे छोटा कौन सा है गोवा है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम यूटी की बात करें, यूटी, यूटी मींस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा कौन सा है, एरिया, ये ध्यान रखना एरिया किधर कितना है, लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा यूटी कौन सी, बड़ी यूटी केंद्र शासित प्रदेश, एरिया में वो कौन सा है, लद्दाख, लद्दाख, जब जम्मू और कश्मीर अलग नहीं हुए थे उससे तब था अंडमान निकोबार, अब कौन सा हो गया है लद्दाख हो गया, इसका एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे
आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट, इसी का एक पार्ट और आएगा, भौगोलिक परिचय का लास्ट पार्ट होगा कल, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे इसी के सारे। तो आप देखते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, जितने भी शॉर्टकट हैं उनका नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो भूल भी जल्दी जाती है। तो अगर दो तीन बार अगर आप प्रीवियन कर लेंगे, जैसे अंजू आज से तमिल भाषा सीखेगी, इसको ज्यादा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो बनाया है पूमा, ये तो आप लोग यूज करते हैं, पूमा कंपनी यूज होती, शूज आता है उसका, स्वेटर भी आता है, ये लर्न होगा, लेकिन इसको लर्न करने के लिए दो तीन बार आपको देखना पड़ेगा अंजू आज से। तो जितने शॉर्ट ट्रिक है उनके नोट्स बना लीजिए और इनके भी नोट्स बना लीजिए। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।